गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बरामद किया अवैध प्रतिबंधित पॉलिथीन का जखीरा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गाजियाबाद श्री कलानिधि नेथानी के निर्देशन में थाना कविनगर पुलिस और नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी व सफाई निरीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना कविनगर क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक निजी गोदाम से अभियुक्त कलीम पुत्र मशरूफ, अमानत पुत्र साबिर, निवासी गण रुकनदी सराय थाना नखासा जनपद संभल, शगुन अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्याम सुंदर अग्रवाल निवासी 72 न्यू गांधी नगर थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद को कब्जे निशादेही पर करीब 1200 कट्टे व 2 10 टायरा ट्रक से करीब 450 कट्टे, कुल 1650 कट्टे प्रतिबंधित पॉलिथीन, जिसमें प्रत्येक का वजन करीब 30 किलो, कुल करीब 50 टन अवैध प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद किया है। ट्रक व गोदाम को सील कर अभियुक्त गण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। ये मुखबिर की सूचना पर गुड वर्क किया गया है संयुक्त टीम द्वारा, नगर निगम एवं जनपदीय पुलिस द्वारा, थाना कविनगर के इंस्पेक्टर व उनकी टीम के द्वारा। 2 ट्रक पॉलीथीन के, जो कि अवैध पॉलीथीन है, और इसके अलावा 1 गोदाम पूरा पॉलीथीन का सीज किया गया है। दोनों ट्रकों में लगभग 200 कट्टे और 250 कट्टे, और वहीं गोदाम में लगभग 1200 बोरी से अधिक जो है, कट्टों से अधिक जो है बरामद की गई है। प्रत्येक जो है उसका वजन 30 किलो के आसपास है। इस तरह से लगभग 50 टन के आसपास जो है पूरा ये पॉलीथीन अवैध जो है इसको बरामद किया गया है। वहीं सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, और 3 अभियुक्त जो हैं कलीम अमानत और शगुन अग्रवाल, इनसे पूछताछ जारी है कि इसका पूरा चेन जो है इसको वर्कआउट करने के लिए, कि ये सप्लाई कहाँ से आया था और कहाँ को इसको डिस्ट्रीब्यूट होना था। पूरे मामले पर जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा भी जाँच पड़ताल की जा रही है।